अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए आलू गोभी ढाबा स्टाइल लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने हाफ के जी गोभी के बड़े बड़े फूल काट लिए हैं। इसके बाद इस गोभी के डंठल मैंने बारीक बारीक काटे हैं और तीन दरमियाने साइज़ के आलू को छोटे साइज़ में काट लिया है। ये रेसिपी नहायत ही ईजी और बहुत ही ज़ायकेदार होती है। आपको ढाबे पर इसी तरह की रेसिपी मिलेगी। चलिए फिर हम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसके अंदर मैं गोभी को शैलो फ्राई कर लूँगी। इस तरह से गोभी सालन में घुलेगी नहीं, इसके साबुत फूल रहेंगे। गोभी शैलो फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको अलग निकाल लूँगी। इसके बाद मैं पैन में 1 प्याली ऑयल डालूँगी। ऑयल जब हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, जिनको मैंने मोटा चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर डाल के मैं प्याज को नरम कर लूँगी। प्याज को लाल नहीं करना है, सिर्फ नरम करना है। जब वो नरम हो जाएगी, मसाला जिसमें 1/2 टी स्पून अजवाइन, 1/2 टी स्पून जीरा और 2 तेज़पात के पत्ते, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको मैं गरम मसाले को फ्राई कर लूँगी। जब गरम मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा तो फिर मैंने इस 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को ग्राइंड कर लिया था। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है, 2 टी स्पून पीसी मिर्च, 1 टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टी स्पून नमक और 1/2 टी स्पून पीसी हल्दी डालेंगे। इसके अंदर 1 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्ची डालेंगे और इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून जाएगा तो फिर इसके अंदर जो हमने आलू छोटे स्लाइसेस में काट के रखे थे वो, और गोभी के जो डंठल हमने काट के रखे थे वो, इसके अंदर डाल के मसाले को हम भून लेंगे और फिर इसको हम 2 फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये थोड़े गल जाएं। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे आलू और गोभी के डंठल 50% गल चुके हैं। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर हमने जो गोभी के फूल शैलो फ्राई करके रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और 1.5 गिलास पानी डाल के 15 मिनट के लिए इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद देखिए मसाला भी हमारा सही तरीके से भून चुका है, उसने ऑयल छोड़ दिया है और गोभी भी गल चुकी है। इसके फूल देखिए बिल्कुल साबुत हैं, घुले नहीं हैं। अब इसके अंदर हम 1/2 टी स्पून पिसा हुआ गर्म मसाला डाल के इसको मिक्स कर देंगे और फिर इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये रेसिपी खाने में बहुत मज़ेदार है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने आलू गोभी को सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया, हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक डाल के इसको सर्व करेंगे।